5 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इस दिन शिक्षकों के आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक राजनेता के साथ एक महान शिक्षक थे, उनको याद किया जाता है। उनके स्थापित आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली जाती है। साथ ही भारत सरकार पठन पाठन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। राष्ट्रपति भवन में 1962 से आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम इस बार वर्चुअल आयोजित होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची में प्रदेश के 3 शिक्षकों का भी नाम है। उन्नाव की स्नेहिल पांडे ने बालिका शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया, हर साल एक जरूरतमंद छात्रा को अपनी ओर से साइकिल दिया, और यही कारण है कि उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उनका राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में नाम है। स्नेहिल उत्साहित हैं और कहती हैं कि उनकी मेहनत और लगन को सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली ओवरजॉयस, ओवरवेल्म्ड ऑन नेशनल टीचर्स अवार्ड कि मुझे चुना गया। आई एम सिलेक्टेड एज एनईटी 2020। प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एमडी इंटर कॉलेज के मीरापुर भौमा के प्रधानाचार्य विकास कुमार को भी सम्मानित किया जाएगा। अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का, प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा चयन इस पुरस्कार हेतु किया गया। भारत में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। उस शिक्षा नीति में यह पुरस्कार या जो मेरे अन्य जो साथीगण हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आगे वो ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। मैनपुरी के इशरत अली ने पठन पाठन के परंपरागत तरीकों से हटकर शिक्षण कार्यों के लिए अभिनव प्रयोग किए और यही कारण है कि उनकी प्रयोगधर्मिता को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। फिलहाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ये शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, साथ ही महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति उनकी सच्ची संवेदना भी होगी। आशुतोष शुक्ला, DD News, लखनऊ।